भाई रमेश जी, इनका मैं बहुत आदर करता हूँ, बड़े अच्छे कवि हैं, देश दुनिया में आपका नाम है, हर तरह की कविताएं, हर तरह की रचनाएं पढ़ते हैं आप, आज बैंक के बहुत बेहतरीन कवि हैं, मुंबई के पुराने कवियों में आपकी गणना होती है। मैं तुषार भाई जी के अनुरोध पर परम आदरणीय श्री रमेश श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अभी परसों सांगली कवि सम्मेलन में गया था मैं, तो ताली वाली कोई बजा नहीं रहा था, एक आदमी ने उधर से बजाई, मैं बोला भाई एक कदरदान तो मिला, चलो चेहरा तो दिखा दो, तो आदमी खड़ा हुआ, बोला मैं ताली थोड़ी बजा रहा था, मैं तो तंबाकू बना रहा था। हम लोग जाने कहाँ कहाँ कवि सम्मेलन, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, अभी 17 कवि सम्मेलन अमेरिका करके आया मैं, बहुत सुंदर। और ऐसे देवलाली कवि सम्मेलन मैंने किया, वहां मिलिट्री वाले बैठे थे, ताली वाली नहीं बजा रहे थे, मैंने कैप्टन को इशारा किया, यार ताली वाली तो बजवाओ, कवि सम्मेलन है कि शोक सभा है, क्या है? बोले ताली बजवाना है क्या? बोले हाँ ताली बजवाना है यार, जवान ताली बजाएगा, ताली बजे। यहां से वहां तक बस्ती रही, मैंने बोला यार चुप भी कराओ, कवि सम्मेलन है, कविता भी पढ़नी है। बोले तो रोकनी है क्या? बोले फिर, बोले जवान ताली रोकेगा, ताली रुके, ताली रुक गई। एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, जिससे मुझे मालूम हुआ कि आप लोग ताली बजाना जानते हैं। बहुत बढ़िया। तोरे कजरा रे नैन जान मोरी मारे, नैन जान मोरी मार के तू काहे मुस्काती है, तोरे कजरा रे नैन जान मोरी मारे, नैन जान मोरी मार के तू काहे मुस्काती है, आती है ना जाती है रे काहे तैर साती है री, रोज देख देख मोहे चॉकलेट खाती है। क्या बात है, वो भी कम नहीं थी बोली, वो भी डबल थी बोली, राजा तोरे बहन मनवा कमारो चैन, मनवा को मार के क्या बत्तियां बनाते हो, इतनी भी भोली नहीं गाँव की मैं ढोली नहीं, हौले हौले देख के जो अखियां दबाते हो, आना है तो आजा राजा दिल का बजाने बाजा, दोनों हिल मिले राजा गीत को ही गाएंगे, अभी तो अकेले राजा चॉकलेट खाती हूँ मैं, फिर दोनों हिल हिल चॉकलेट खाएंगे। बहुत बढ़िया। 3-4 साल खूब चॉकलेट खाए, खूब ताली बजाए, खाए पिए गाना गाए, फिर एक दिन लड़का बोला हारून साहब कैसी हालत हो गई तेरे प्यार में, कैसी हालत हो गई तेरे प्यार में, सारी बुद्धि घुस गई घिस गई तेरे प्यार में, अब मैं हूँ तू है और ये खाली तबेला है, सारी भैंसे बिक गई तेरे प्यार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लड़की ने फिर समझाया, बंबई की प्रेमिका ना, फिर समझाया प्यार अभी तो नया नया है, प्यार अभी तो नया नया है, अभी बवेला बाकी है, जग वालों की बातों का अभी करेला बाकी है, राजपाट सब बिक जाते हैं, क्या तुझको मालूम नहीं, अभी तो काली भैंस बिकी है, अभी तबेला बाकी है। बहुत बढ़िया, सब लोग तबेला बेच के बैठे। और तबेला अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मुझे कम दिखने लगा था, मैंने पत्नी से कहा कि साहब मेरे आंख दिख नहीं रहा है कुछ, क्या करूं? तो बोले नजदीक का नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता, मैं बोला दूर का नहीं दिखता, तो पकड़ के छत पे लेकर गई, बोलो क्या है? बोले चांद है। बोले और कितनी दूर देखेगा। हम लोग जाने कहां कहां कवि सम्मेलन में जाते हैं, कैसे कैसे लड़का, और उसके बाद तबेला बिछने के बाद तो क्या होती है, शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, और अब आजकल बच्चे नहीं होते, पहले ही बाप पैदा हो जाते हैं। अभी एक कवि सम्मेलन में मैं चलने जाना था, तो मैंने चौथे माले में जाना था, तो तीसरे माले में मैंने एक बच्चे को देखा जो बेल बजाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सा छोटा था, बहुत ही छोटा था, मुझे दया आ गई, बेल बजा दिया मैंने, बेल बजाते ही लड़का बोला अंकल भाग चलो, निकलेगा तो मारेगा।
हम लोग जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, बड़ी स्थितियां खराब होती है, कुछ कुछ बात ऐसी होती है जो बहुत देर में समझ में आती है। अभी परसों एक आदमी ताली बजाते हुए मिला, उधर से आ रहा था, बोले क्या हुआ यार, पागल है क्या, ताली बजा रहा। बोले नहीं, परसों कविता सुनाई थी ना, मेरे को आज समझ में आई। अभी परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, एक लड़का जो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी गुरुजी, बोले क्या है, बोले गुरुजी कल रात को आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे, बोले पास कर दो। अब लड़का सकपकाया, गुरुजी सकपकाया, मेरे बाप को मरे 25 साल हो गए, इसके सपने में आए थे, बोले जाओ देखता हूं। लड़का फेल हो गया, फिर आया, गुरुजी आपके बाप ने पास करने के लिए कहा था सपने में, आपने फेल कर दिया। बोले हाँ, दूसरे दिन मेरे पिताजी मेरे सपने में भी आए और बोले फेल कर दो, इसलिए मैंने फेल कर दिया। बच्चा बहुत छोटा था, क्या कर सकता था, बहुत किसी आया, बहुत गुस्सा हुआ, फिर भी बोला गुरुजी कुछ भी बोलो, आपका बाप है बड़ा दोगला, इधर कुछ बोलता है। बजवा दीजिए, मालूम पड़ेगा। अभी क्या है कि अपनी उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा छोड़ के सब अंग्रेजी बोलने लगे हैं, म्युनिसिपैलिटी के स्कूल बंद हो रहे हैं। होता क्या है, कॉन्वेंट में बच्चों को भेजते हैं। एक कॉन्वेंट में गया इंग्लिश स्कूल में बच्चा, इंग्लिश में, ये सामना में लिख चुका हूँ जी ठाकरे के जमाने में, एक बच्चा गया तो बोले भाई आज सब लोग पहले अपना नाम बताएंगे, हाँ मगर इंग्लिश में नाम बताएंगे, सब लोग अपना नाम इंग्लिश में बताएंगे। चलो बच्चे तुम बताओ तुम्हारा नंबर नाम क्या है, मेरा नाम वो भूल ही गया। फिर तो बोला कि आखिर तुम्हारा इंग्लिश में नाम क्या है, बोले ब्यूटीफुल रेड अंडर बियर। बोले ब्यूटीफुल रेड अंडर बियर, ये क्या नाम है, बोला हाँ इंग्लिश में मेरा नाम यही है। बोला असनाम है क्या तेरा, बोला सुंदरलाल चड्ढा, सुंदरलाल चड्ढा। बड़ी अजीब अजीब स्थिति होती है। अभी अमेरिका कवि सम्मेलन में गया, वहां मेरा बच्चा भी पढ़ता है, वहां समाजवाद कुछ नहीं है, समाज है ही नहीं है। मैं टीवी देख रहा था तो ऐसे सीन आ गए कि मुझे देख के बहुत शर्म आई, मैं बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद पोता बोला दादू चले आओ, वो सीन गया। कुछ बात है बहुत देर में समझ में आती है, कुछ बातें हैं जो बहुत देर में समझ आती। मैं चला गया, फिर आया तो सो गया, बच्चा भी सो गया। फिर मेरी आंख खुल गई तो मैंने फिर टीवी चालू कर दिया, तो वही सब सीन, ऐसे ऐसे सीन थी, देखने लायक नहीं थी। देख रहा था तब तक पोता भी उठ गया। मैं बोला देखो अमेरिका कितना गरीब देश है, कितना गरीब देश है, पूरा कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं, इतना छोटे छोटे कपड़े पहनते, कितना गरीब देश है। पोता बोला दादू 40 नंबर का चैनल लगा, फुल गरीबी देख, गरीबी गरीबी चारों तरफ, गरीबी फुल गरीबी, कोई कपड़ा ही नहीं पहनता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या कहा जा सकता है। स्कूल में आग लग गई, सब बाहर निकल आए, बोले आग लग गई, आग लग गई, चलो निकलो। सब लोग निकल आए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा रोने लगा। बड़े बच्चे बात किए, क्यों रो रहा है, जा मजा कर, अभी स्कूल बनेगा तो आना। बोले क्या फायदा, स्कूल जल गया तो गुरुजी तो बाहर ही रह गए। बड़ी अजीब अजीब होती है। मैं बनारस का हूँ, वहां बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या कहा जा सकता है, बच्चों को कुछ नहीं कहा जा सकता। पंडित जी जो है तो नहा के ऊपर चले जा रहे थे तो कुछ पानी जैसा गिरा, तो बाबा जी ने देखा, बोले ये क्या है, बोले बाबा पानी है, बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बोले माफ करना बाबा, बोले कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, है तो गंगा जल ही ना, बोले हाँ बाबा गंगा जल ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पिया था। बहुत बढ़िया। बच्चों को कुछ नहीं कहा जा सकता, बच्चों को कुछ कहा ही नहीं जाता। कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, बनारस में, नासिक में, वहां बच्चे, ये होता है कि एक आदमी भागते भागते जा रहा था तो धक्का लग गया एक आदमी से, बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले यार हुआ क्या, मेरी पत्नी खो गई। बोले तेरी पत्नी कैसी थी, बोले क्या मेरी पत्नी थी, टमाटर उनसे गाल थे, पतली कमर थी, गोरा रंग था, हिरनी जैसी आंख थी, क्या मेरी हीरोइन वगैरह कैटरीना वगैरह सब पानी भरती है, तेरी वाली कैसी थी, बोले उसको मार गोली, चल इसी को ढूंढते।
जब ताली वाली बजाओ यार, मुझे क्या लगे समझ में नहीं आ रहा है। ये सबकी पत्ती खो गई है, एक पति खोया तो पत्नी पड़ोसन से बोली, मेरा पति खो गया मैं क्या करूं, चार दिन से नहीं आया। तो बोले जा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर। तो बोले तू भी चल, तो वो भी गई। तो पुलिस ने बोला तुम्हारा पति कैसा था? बोले साहब क्या मेरा पति था, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज थी, सलमान खान जैसी बॉडी थी, और उसके जैसा उसका क्या डायलॉग था, हीरो का हीरो था। पड़ोसन बोले चुप, कहीं पी के पड़ा होगा चार दिन से, बोलता है हीरो का हीरो था, चुप ना इतना। तो पत्नी बोले चुप ना, जब पुलिस ढूंढने ही जा रही है तो अच्छा वाला ढूंढ के लाने दे ना। बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी अजीब सी बात होती है, बहुत बढ़िया, बड़े बड़े अजीब सी बात होती है, हम लोग जाने कहां कहां जाते हैं। ऐसे ही मैंने कमिश्नर के यहाँ कवि सम्मेलन किया, तब कमिश्नर थे तो वहां 50-60 पुलिस वाले बैठे थे, हारून साहब वहां 50-60 पुलिस वाले बैठे थे, खूब इनाम दिए, खुद बसे, किसी ने पाइचे में से पैसे निकाल के दिए, किसी ने टोपी में से पैसे निकाल के दिए, किसी ने कमर के में से पैसे निकाल के दिए, खूब पैसे निकाल के दिए। फिर 2 बजे रात को कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो हम लोग घायल गए, तो उधर 2 पुलिस वाले खड़े थे, बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले कितना पैसा मिला निकालो। हम बोले यार अंदर तो तारीफ कर रहे थे, इतनी इतनी बड़ी बात दे रहे थे और यहाँ पैसा मांग रहे हो। बोले हाँ हाँ, वो हमारा धर्म था, ये हमारा कर्म है। बहुत बढ़िया। ये हमारा कर्म है। हमारे पुलिस मित्र ने हमसे कहा, अभी कविता सुनाता हूं आपको, अब हंसा रहा था, आप कविता समझिए। आप यहां तक मैं समझता हूं, अभी मुशायरा और शोक सभा चल रही थी, लोग दूसरे दूसरे की कविता पढ़ रहे थे जो मुझे सही नहीं हो रहा था। हमारे पुलिस मित्र ने हमसे कहा, कहो ठीक तो हो? हमने धीरे से कहा हाँ ठीक ही है। वो आगे बोला ना ठीक हो तो कहो ठीक कर दे। हमने कहा भैया लट भरोसे, इतने सालों से तुमने न जाने कितने को ठीक किया है, कितने को टांगे तोड़ दी, न कितने की आंखें फोड़ दी, यानी रिकॉर्ड ही कर दिया, आखिर इतना अत्याचार क्यों किया? पुलिस वाला बोला कैसे यार, कितना भी नहीं समझते, हमारी दूरदर्शिता को नहीं पहचान पाए, हमारी राजभाषा को नहीं समझ पाए, हमारी समाज सेवा को नहीं जान पाए, वो तो भूमिका बना रहे थे, देश को विकलांग वर्ग जो बनाना था, तुमने कुछ सहयोग किया, तुमने कुछ सहयोग दिया। मैंने कहा धन्यवाद, 2-4 लेख और कविताएं लिखकर अपना कोटा मैं भी पूरा कर लूंगा। और लट भरोसे, जिस देश के नेता स्वार्थ और खुद ही अंधे हो गए हों, देश और समाज को लूला लंगड़ा बनाने पर तुले हो, उस देश में विकलांग वर्ष मनाना एक मजाक ही लगता है, उस देश में विकलांग वर्ष मनाना, अपंग वर्ष मनाना एक मजाक ही लगता है। और अपंग वर्ष मनाना ही था तो भ्रष्टाचार की आंखें फोड़ती होती, गरीबी की टांगे तोड़ती होती, और कुछ ना सही तो घुसखोरी और महंगाई कमर ही तोड़ती होती, तब हम सच्चा विकलांग वर्ष मना पाते, देश सच्चा अपंग वर्ष मना पाता, जब हर अंधा ताजमहल देख पाता, हर लूला झंडा पहरा पाता और हर गुम्बद कह पाता, वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रमेश जी। रमेश जी बहुत हंसा रहे थे। एक बार मैं इनके घर गया था, दोपहर का समय था, बोले अनुराग जी आज मेरे यहाँ खाना खा लीजिए। मैंने कहा ठीक बात है। हम दोनों इनके हाल में बैठ के खाना खा रहे थे, बोले अनुराग जी जितनी अच्छी रोटी मेरी सास बनाती थी उतनी अच्छी रोटी मेरी बीवी नहीं बनाती है। इनकी बीवी बेलन लेकर के किचन से आई, बोली अनुराग इसमें मेरी गलती नहीं है, जितना अच्छा आटा मेरे पिताजी सानते थे उतना अच्छा आटा ये नहीं सानते हैं।